अभी हम जो है वो देख रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन एंड मॉड। तो लेट सपोज कि हमने एक सवाल ले लेते हैं, फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा दैट इज क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स हम ले लेते हैं लाइक 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ठीक है, 50 to 59, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं लाइक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्लास की दैट इज 3, फिर जो है वो हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 8, देन उसके बाद हम ले लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 14, फिर आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी 11, और लास्ट इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5, ठीक है। और यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन मीडियन एंड मॉड। अच्छा जी, अब जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपके पास, हमने पहले लिया क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल हमारे पास हो गया 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59, ठीक है जी। अच्छा, देन उसके बाद आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, यह है 3, 8, 14, 11 और 5। इसको अगर साथ साथ कैलकुलेट करें तो 3, 8, 14, 11 और 5 जो है वो आपके पास टोटल बन रहा है 41 का, ठीक है जी। इसका टोटल आ गया आपके पास 41। अब हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट चीज आपके पास है मीन, तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मीन इक्वल्स टू दैट इज एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू होती है यहाँ पे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ तो मेरे पास अवेलेबल है, एफ एक्स को कैलकुलेट करना है, तो एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मिड पॉइंट, ठीक है जी। और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसमें आ जाएगी वैल्यू दैट इज 14.5, ठीक है जी, 24.5, 34.5, 44.5 एंड 54.5, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये एक्स का कॉलम बनाया है हमने, अब हमने यहाँ पे निकालना है एफ एक्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एफ एक्स का टोटल। तो एफ एक्स का टोटल कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 into 14.5, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 43.5, 8 multiply by 24.5, ठीक है, ये हो जाएगा 196। इसके साथ साथ एक जो है वो बंदा एफ एक्स का टोटल साथ साथ कर ले, फिर 14 multiply by 34.5 विल बिकम 483, ठीक है, फिर 11 into 44.5 ये आ रहा है आपके पास 489, 489.5, और लास्ट आपके पास है 5 multiply by 54.5, ये आ रहा है 272.5। तो अब 1484.5 1484.5, तो यह आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई, दैट इज आपके पास क्या हो गया, अगर मैं इसको पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, यानी 1484.5 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है जी, और 1484.5 डिवाइडेड बाय 41 विल बिकम 36.20।
एक्स बार विल बिकम 36.20। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के बाद जो है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सेकेंड थिंग इज, अगर हम मीडियन कैलकुलेट करें तो मीडियन जो होता है आपके पास वो क्या होता है, एक्स, और एक्स के ऊपर कॉन्ग्रेंस आता है, और इसका होता है फॉर्मूला एल प्लस एच अपॉन एफ, ठीक है जी, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ। अब इसकी फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको सब लिखवाई हुई हैं पहले से, ठीक है, तो जी मैं सर, वो दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम समीशन एफ डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 41 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास 20.5 वैल्यू। अब मुझे मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो दो चीज़ें क्या होती हैं आपके पास, फर्स्ट थिंग इज आपकी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज आपके पास होनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज में आपके पास क्या हो जाएगा, एक क्लास जहाँ खत्म होगी दूसरी क्लास वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, और यहाँ डिफरेंस 1 का है तो इसका मतलब मुझे 0.5 ऐड और लेस करके इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल बिकम 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, ठीक है जी, देन 39.5 टू 49.5, और लास्ट 49.5 टू 59.5। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें क्या बनानी है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का कॉलम बनाना है। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, देन 3 के बाद 3 में 8 प्लस करेंगे हो जाएगा 11, फिर 11 में आपने 14 प्लस किया हो जाएगा 25, फिर 25 में आपने 11 प्लस किया, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 36, और 36 में आपने जब 5 ऐड किया इट विल बिकम 41। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने जो है वो इसके डाटा की वैल्यूज लेनी है। अच्छी, कौन सी क्लास हमारे पास 20.5 वैल्यू आ रही है मीडियन की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो डैट विल बिकम द That will become मीडियन क्लास, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का डाटा जब आप लेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास कितनी आ रही है, 29.5, ठीक है जी। अच्छा, साइज ऑफ क्लास कितना आ रहा है, इन दोनों को आप माइनस कर दें, क्लास बाउंड्री की जो वैल्यूज हैं आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 14, और इसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, 41, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास थी ये वाली, थर्ड क्लास आपकी मीडियन क्लास है, इससे प्रीवियस क्लास आपके पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से वैल्यू जनरेट करेगी। तो ये तमाम वैल्यूज जब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मीडियन इक्वल्स टू 29.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 14, और ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11, यानी ये बन जाएगा आपके पास 29.5 प्लस 10/14 को भी मैं नहीं चेंज कर रहा, ये हो जाएगा कितना, 20.5 माइनस 11, ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास 29.5, ठीक है जी, प्लस 10/14, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 20.5 माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9.5। ये 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 14,
पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद जो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29.5 प्लस 6.785, और इसको अगर मैं प्लस कर दूं 29.5 के साथ तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास, दैट इज 36.285। ये आ गई आपके पास द वैल्यू ऑफ मीडियन, जिसे आप कहते हैं एक्स पे कॉन्ग्रुएंस। फिर हम मूव करते हैं नंबर थर्ड, आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, नंबर थर्ड वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं मॉड की। तो मॉड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स कैप से शो होता है, और एल प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन ऑल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ये लोअर क्लास बाउंड्री स्टैंड, एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस, फिर ये फ्रैक्शन है ये याद रखिएगा। और अगर हम जो है वो देख लें मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास बन जाएगी आपकी क्या, मॉडल क्लास विल बिकम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी शो हो रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो हो रही है 14। तो जिस क्लास में आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वही आपके पास जो है वो मॉडल क्लास भी है, ठीक है जी। यही आपके पास मॉडल क्लास है, और मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास मेजोरिटी केसेस में आपके पास क्या होती है, वो सेम होती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है जी, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास जो है वो शो कर रही है दैट इज 29.5, ठीक है। और हाइट यानी साइज ऑफ क्लास जो है वो 10 है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 14, मॉडल क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी आपके पास है 8, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास है 11। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली वैल्यूज को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपके पास मॉड इक्वल्स टू 29.5 प्लस 10, और ये हो जाएगा 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 8 माइनस 11। तो अगर आप यहाँ पे करें कैलकुलेट इसको, तो 29.5 प्लस 10, 14 माइनस 8 विल बिकम 6, और ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 14 28 माइनस 8 माइनस 11, 28 माइनस 8 माइनस 11 विल बिकम 9, और 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9 विल बिकम 6.66। यानी 29.5 प्लस 6.66, बहुत सारे 6 हैं तो हमने क्या कर दिया इसको, 7 कर दिया, प्लस 29.5 कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 36.167। ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, वैल्यू आ गई नॉट की, ठीक है जी। ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से आपके पास दो चीजें जो हैं, यानी आपका जो ये मीडियन है और मॉड है, ये सिर्फ आपका क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है, ये चेंज हो गया है। बाकी चीजें कैलकुलेट करने का तरीकेकार वैसे ही है। अगर यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो फिर जैसे एफ एक्स निकाला है तो एफ लॉग एक्स बन जाएगा, और हार्मोनिक मीन निकालना है अगर आपको इसको, तो एफ डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे, एफ डिवाइड बाई एक्स याद रखिएगा। फिर उसके बाद मीडियन निकाल लिया, मॉड निकाल लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से जब मीडियन निकल लिया तो इसका मतलब है क्वार्टाइल भी निकल सकता है, ठीक है। जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वही क्वार्टाइल के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर हम यहाँ पे क्वार्टाइल का फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए लिख दें तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आई इक्वल्स टू एल प्लस एच अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ, ठीक है जी। और इसी तरह क्यू आई क्लास बन जाएगी, और क्यू आई क्लास का मतलब होता है आई मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी।
यहाँ आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिखा था, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि आंसर विल बी सीन इन सी एफ, ठीक है जी, कॉलम, सी एफ कॉलम में आपको जो है वो उसका आंसर देखना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो है इसी तरह डी साई की वैल्यू में क्या हो जाएगा, वो डी आई हो जाएगा, और जो आगे ये ब्रैकेट वाली चीज है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाली आपके पास टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, आई मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाय 10 डी साई के लिए। सेम इसी तरह परसेंटाइल के लिए पी आई इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला रहेगा, पैटर्न आई मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे उनकी क्लासेस भी निकलेंगी, और जिस क्लास में वो लाई कर रहे होंगे उसको आप जो है वो मार्क कर लें, उसको कलर से मार्क कर लें, ठीक है जी, या उसको आप एरो से मार्क कर लें, और उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये Q1 क्लास है। और तमाम डेटा जो होगा, जैसे डेटा मीन कर लिया, मीडियन कर लिया था, वैसे ही हम क्वार्टाइल के लिए भी डेटा लेंगे और फिर उसकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये, तो आई थिंक ये डिसाइल परसेंटाइल इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर कोई चेंजेस आगे नहीं है, ये दो मेन फॉर्मूलाज हैं जो चेंज रहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अदरवाइज तमाम फॉर्मूलाज सेम रहेंगे, उनके रिक्वायर्ड कॉलम्स जो हैं वो भी वैसे ही बनेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है जी। ये बात आई थिंक कि आपको अब क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस सेशन के पार्ट के अंदर हमने जो है वो चीजों को डिस्कस कर लिया है, अभी जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे उसके अंदर हम कुछ चीजें नई जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे, ओके।